और उत्तर प्रदेश ने श्रम और सेवा योजन राज्य मंत्री रघुराज सिंह ने विवादित बयान दे दिया है। रघुराज सिंह ने कहा कि मदरसे आतंकवाद के अड्डे हैं, मौका मिला तो मदरसे बंद करेंगे। प्रदेश के श्रम और सेवा योजन राज्य मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह ने एक बार फिर मदरसों को निशाना बनाते हुए विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि भगवान ने उन्हें मौका दिया तो वो पूरे देश के मदरसों को बंद कर देंगे, क्योंकि इन मदरसों से ट्रेनिंग लेने के बाद निकलने वाला आदमी आतंकवादी बनता है। भगवान ने मुझे कभी मौका दिया तो पूरे देश के मदरसे बंद कर दूंगा। मदरसे जो हैं वह आतंकवादियों के अड्डे हैं, आतंकवादी की ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि यहाँ से जो आदमी निकलता है जो मदरसे से, वह आतंकवादी बनता है, उनकी सोच आतंकवादी बनती है। वहीं दारुल उलूम के प्रवक्ता मौलाना सुफियान निजामी ने राज्य मंत्री के बयान पर एतराज जताते हुए कहा कि इस तरह की बयानबाजी सोची समझी साजिश के तहत की जाती है। उन्हीं की पार्टी के अगर लोग उन हजरात के इल्म के और उन हजरात के बयानात से वाकिफ ना हो तो मुझे हैरत होती है इन हजरात के कम इल्मी पर और इन हजरात की सलाहियत पर कि किस तरीके से इनको प्रदेश के अंदर राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। और AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असुद्दीन ओवैसी ने जौनपुर की खेता सराय बाजार में जनसभा की। उन्होंने SP बीजेपी पर जमकर हमला बोला और कहा कि सभी राजनीतिक दल मजनू हो गए हैं और ओवैसी उन्हें लैला नजर आती हैं। सपा बसपा और कांग्रेस लगातार उन्हें बीजेपी की बी टीम का दर्जा देते हैं। योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि दोनों लोग एक साथ बैठकर तय कर ले कि वो किसके एजेंट हैं। समाजवादी पार्टी बन गई, ये ओवैसी बीजेपी का एजेंट है। कांग्रेस बन गई, ये ओवैसी भुला का बीजी है। मैं समाजवादी पार्टी से बीजेपी से कहना चाहूंगा कि योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव मेरी खातिर एक जगह बैठकर तय कर ले कि मैं किसका एजेंट हूँ।